ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एम डी एक्स और प्लस एन डी वाई से इसका वैल्यू निकालेंगे। यहां से हम m और n का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो अगर इसको तुलना किया जाए तो m का वैल्यू जो हमारे पास है 1 + 4xy + 2x is y, ठीक है। और अगर हम n का वैल्यू निकालते हैं तो n का वैल्यू हमारे पास आ जाता है, ये पूरा n का वैल्यू हो जाएगा और ये पूरा m का वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो n का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 1 + 4xy + 2x2, ये हमारा m का वैल्यू हो गया और हमारा n का वैल्यू हो गया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x को इसको सेटिस्फाई अगर होता है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर उसको हम चेंज करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x निकालते हैं। तो यहां से अगर हम डेल m अपॉन डेल y अगर निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4x + 4y, ठीक है, हमारे पास हो गया 4x + 4y। अगर हम यहां से डेल n अपॉन डेल x निकालते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y + 4x। तो ये हमारा डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x का जो वैल्यू है वो दोनों आप देख सकते हो कि 4x + 4y and 4x + 4y दोनों इक्वल बोल सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है dm अपॉन dy अगर हम इसका निकालें और dn अपॉन डेल n अपॉन डेल x अगर निकालें तो ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। ये जो हमारा नेसेसरी कंडीशन है, ये हमारा जो कंडीशन दिया है वो सेटिस्फाई है। तो नेसेसरी कंडीशन is satisfied, therefore given equation is exact differential equation। जो हमारा गिवन इक्वेशन जो दिया गया है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इतना हम जो भी m निकाले, n निकाले, डेल m अपॉन डेल y एंड डेल n अपॉन डेल y डेल x जो हम निकाल रहे थे वो हम इसके लिए निकाल रहे थे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है, इसको हम चेक करने के लिए निकाल रहे थे। अब जब हमें पता चल गया है कि ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके बाद हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको इसका फॉर्मूला हमारे पास है डेल एम डेल एक्स, यहाँ पे वाई कांस्टेंट रहेगा, और प्लस इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स dy। तो इसका हम सबसे पहले निकालेंगे। तो हमारे पास जो m का वैल्यू है, अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे m का वैल्यू हमारे पास 1 + 4xy + 2y2 है, इसको हम dx के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, प्लस जो हमारे पास n का जो वैल्यू है 1 + 4xy + 2x2, इसको हम dy के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, और यहाँ पे इक्वल में c भी रहेगा, ठीक है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4x2y/2 + 2xy2, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हुआ। अब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y + 4xy2/2, प्लस, ठीक है। तो अब आप यहां देख सकते हो कि जो हमारे पास इसको अगर हम लिखें तो इसको दो कर सकते हैं, काट दें, तो 2x2y और यहाँ पे भी हमारा 2x2y, मतलब ये और ये दोनों सेम है। और अगर यहाँ देखा जाए तो इसको भी अगर हम लिख दें तो 2 हो जाएगा 2xy2, ये दोनों सेम है। तो मैंने आपको यहाँ पहले बताया था कि टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है, जो इसमें आएगा, जो x वाले में आएगा उसको हम कंटेंट नहीं करेंगे, उसको हम अलग रखेंगे। जैसे ये दोनों हमारे पास दोनों सेम है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर फाइनली कौन आ जाएगा, x + 2x2y + 2xy2 + y = c, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया,
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है वहां से हम m और n का वैल्यू निकालते हैं। जैसे ही m और n का वैल्यू निकलता है फिर हम इसको चेक करते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, यदि नहीं है तो उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे जो कि हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए जब हमें डिसाइड हो जाता है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बाद हम इस फॉर्मूला में, ये जो हमारा फॉर्मूला है आप इसको याद रखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम मान रख लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद इधर आप नॉर्मल इधर आप कर ही सकते हो, तो ये हमारा आंसर फाइनली हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।